क्या उनका कहना है तो प्रशासन का क्या कह रहा था? अभी वो गए हैं, उनको दे दिया है, उनका जो पेपर है वो दे दिया उनको, जाकर आप सरकार से बातचीत करो। एफ आई आर के बारे में क्या बताया? अभी हम तो बढ़ते हुए अब तो वे बताएंगे आप उनसे, प्रशासन का डीएम डीसी और सब अधिकारी यहाँ पे, आप उनसे अगला क्वेश्चन उनसे करो और फिर हम बता देंगे। जो प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, उसमें क्या है? वो तो अभी तो चल ही रहा हो, अभी तो जैसे ही दिल्ली निकलेगा लोगों को हमने रोक दिया कि अभी उसने अभी सिर्फ डीसी के यहाँ पे डीएम के वहाँ पे यहाँ पे जाएगा, 10-11 बजे लोग जाएंगे, लेकिन बहुत लोग सड़कों के ऊपर भी है, इंतजार कर रहे हैं पूरा के जो हालात है वो कैसे करें। ठीक है सर, इंटरनेट होंगे भाई, कोई घटना हुई है तो आते हैं तो सब लोग, ये राजनीति थोड़ा है किसी की मौत पर राजनीति नहीं होती है सर, या जहाँ 8 लोग मारे गए हैं ये राजनीति है, उनके दोषी कौन है? सब लोगों के कौन उनको बुला कर लेकर आया? ठीक है सर, कौन गाड़ियों से लेकर आया? 8 लोग मारे गए, 15 से ज्यादा लोग घायल है। ठीक है सर, यहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं रोक दी गई है, बिल्कुल हमने कहा है कि सेवाएं चालू करो, उसी से सारी चीजें कंट्रोल होगी। यहाँ पर प्रेस के लोग भी जिनको अपनी खबर भेजनी है और यहाँ की खबर भी दूसरी जगह जानी चाहिए। प्रियंका गांधी को रियासत के लिए लिया गया? नहीं नहीं, हमारा तो हमारा कोई नहीं है, हम तो यहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं, उनके उनके पार्टी के लोग बताएंगे। एफआईआर के बारे में क्या बताया है? एफआईआर के बारे में बताया कि एफआईआर लिख दी है, नहीं तो इसका मतलब एफआईआर लिखी गई है, उसके दस्तावेज जब तक हाथ में नहीं आएंगे वो बता दे, हाथ में दस्तावेज चाहिए। आप हमारे वेद साहब हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाए? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार, सिर्फ TV9 भारतवर्ष।